सेकंड सुबह की अगर आपने अर्ड अबाउट इफेक्ट आता है तो मैं इसके बता दूँ आपको, शॉर्ट दो पार्ट में बता रहा हूँ इसको किस तरीके से मैंने एक कार को अपने घर के अंदर मूव कराया है। तो गाइस मैंने पहले यूज़ किया है आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, उसकी सबसे पहले मैंने डिटेक्ट किया है, वो मैंने स्किप कर दिया है। वो इसलिए मैंने स्किप किया क्योंकि जब भी मैं आफ्टर इफेक्ट की सीरीज बताऊँगा उसमें मैं आपको 3D टैगिंग के बारे में बता दूँगा। प्लीज़ अब जो ये कार रनिंग वाली वीडियो है सिंपली टू पार्ट्स में आएगी। तो गाइस क्या किया है मैंने, पहले तो ट्रैक कर लिया है उसको अच्छे से। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी जो ब्लू मार्क है कहीं नहीं हिल रहा है, ये अपनी पोजीशन पे ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक मटेरियल को और लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, टेक्सचर्स पे जाएंगे, टेक्सचर्स पे जाके हम सिंपली एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके नो करना। फिर आप उस इमेज को करके एनिमेशन पे जाके कैलकुलेट करने से क्या होगा, जितने भी फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। फिर हमें फ्लोर पे क्लिक करना है, फ्लोर पे क्लिक करके बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे देखिए आपका बैकग्राउंड है, फिर इस पिक्चर को उठाते बैकग्राउंड के ऊपर रख देना है। तो गाइज ये देखिए इस तरीके से आपका एक फुटेज आपको पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो गाइज जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो ब्लू मार्क मीन्स जो हमारा 3D ट्रैकर है वो कहीं नहीं हिल रहा है, अपनी पोजीशंस पे ही है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इस फुटेज में, सिंपली अब इस फुटेज में हमको रखनी है कार, एक चमचमाती नई कार। उस कार को रखने के लिए एक पहले ध्यान रखना है, अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसको, यूनिटेड पे जाएंगे, यूनिटेड पे जाके पहले हम इसके जो 3D ट्रैक है इसको बंद करेंगे, 3D कैमरे को ये हमने बंद करा। ठीक है, अब इसको दोबारा देखते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ये प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कार सेलेक्ट करनी है, एक अच्छी सी कार, लाइक मुझे ये वाली कार है अच्छी लगी। मैं इस कार को सेलेक्ट करूँगा। इस कार को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, आपका इसको थोड़ा सही करके इस तरीके से करके फिर मैं इस पर जाऊँगा विंडो पे। विंडो पे जाके इसको पहले कॉपी भी करना है, हमें सीन पे जाना है, एडिट पे क्लिक करके इसको कॉपी, हम विंडो चेंज करेंगे, वापस उसी विंडो पे जाएंगे। अब यहाँ पे आके इसको एडिट पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए ये हमारी कार आ चुकी है, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसको उसी पोजीशन पे लाएंगे। ये हमारी कार है, अब इसको बड़ा करेंगे थोड़ा। इसको थोड़ा आगे भी लाएंगे, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अगर आप वैसे वैसा करोगे तो ये आप कंप्लीटली अच्छा बनेगा। ये हमारी कार कंप्लीट आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे इस एरो की हेल्प से, लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा अगर सीधा करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस तरीके से रोटेट करेंगे। अब इस क्लिप को एक बार रन करके देखेंगे हम कैसे होती है, सेम लग रही है कि नहीं लग रही। तो हमारी कार वही की वही स्टेबल है, अच्छा लग रहा है देखने में भी, खूब अच्छा लग रहा है। व्हील्स का ध्यान रखना, व्हील्स की पोजीशंस ऑफ कार एकदम एज इट इज सही आनी चाहिए। इसको मेरे को थोड़ा और अंदर ले जाना है कार को, इस पर क्लिक करूंगा, वापस आऊंगा सेम पोजीशन पे, सीन पे क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक किया, अब इसको थोड़ा सा अंदर, लाइक दिस। अब इसको थोड़ा और रन करेंगे। हमारी ये वाली लाइट जो आप देख रहे हो इसके अंदर लाइटिंग थोड़ी आ नहीं रही है, ये एक तरफ से लाइट ठीक है, बट ये दोनों तरफ से अच्छे से मैंने करी है। इसको और रन करके दिखा देता हूँ थोड़ा और। फ्लोर से टच है कार, ऐसा नहीं है फ्लोर के ऊपर है, बिल्कुल डाउन है लग रही है, सेम ऐसी खड़ी हुई कार है एक सेंट्री हाउस के अंदर। ये देखिए ये आपकी कंप्लीट यहाँ तक है क्लिप। तो ये देखो गाइस, ये आपको सिंपली एक बार रेंडर करके दिखा देता हूँ पिक्चर व्यू में कैसे लग रही है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो। ये पिक्चर व्यू कुछ इस डिजाइन से कार लगेगी कि आपके घर के अंदर एक कार पार्क है इतने से प्लेस में। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि देखने में थोड़ी छोटी लग रही है, ऐसा कहना है।
तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जाके इस ब्लू मार्क को भी हटा देंगे। सो एक बार दोबारा इसको देखेंगे क्लिप को। अब इसको थोड़ा साइड वे में लगाओ तो भी ये सही लगेगी। एक ध्यान से देखना गाइस, और थोड़ा सा सीधा करूंगा इसको थोड़ा अंदर की तरफ। यस दिस वन। सो सिंपली अब लग रही है आपको बहुत अच्छी कार लग रही है। देखो सिंपली मैं और दिखा देता हूँ। ये यहां से देखिएगा कुछ इस डिजाइन से लगेगी कार खड़ी हुई। सो अब मैं इसको थोड़ा आगे चलता हूँ। अब आगे चलने के साथ साथ कैसे हम इसको इम्पोर्ट कर मीन्स एक्सपोर्ट करेंगे वो बताने से पहले मैं बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग थोड़ी सही करूँगा। फ्लोर की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर अब ये धूप में होती तो इसकी आपको परछाई की जरूरत पड़ती शेडो की। तो रेंडर पे क्लिक करेंगे, सेव्स में जाएंगे, इसको मैं 32 बिट्स पे करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, इसको डाउनलोड में रखती थी, मैं इसको सेव करूँगा। लाइक मैं इसका नाम दे देता हूँ कंपोनेंट समथिंग, ठीक है। अब मैं इस पर कैंसिल करके एक बार इसको रेंडर करूंगा पूरी वीडियो को। सो हमारे ये फ्रेम्स है 1, 3, 4, 3, ये कंप्लीट फ्रेम्स है आपके, ये आएंगे। सो यहाँ पे कंप्लीटली आपकी अच्छे से रेंडर होगी वीडियो। सो इसमें लगेगा बहुत टाइम। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में। रेंडर के बाद इसको आपको आफ्टर इफेक्ट में एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस इस चैनल में इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया कैसे 3D ट्रैकिंग के बारे में, तो मैं आफ्टर इफेक्ट के साथ ही बताऊंगा। इसमें बताया मैंने किस तरीके से 3D ट्रैकर के मार्क के ऊपर कार को पुट करा, उसको इंस्टॉल किया और उस कार को इस तरीके से पुट किया कि वो कार के लिए नहीं आपकी पूरी वीडियो मोशन ले रहे लेकिन कार कॉन्स्टेंट रहे। तो गाइस इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मेरे को आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।